जानिए स्टेशन पर गीत गाने वाली रानू मंडल ने हिमेश से पहले गाने की कितनी ली फीस। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रानू मंडल ने लता के गाने से हिट होने के बाद बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है। जी हां, हिमेश रेशमिया की आने वाली फिल्म में उन्हें गाने का मौका मिला है, जिसकी एक छोटी सी झलक आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो के रूप में जमकर वायरल हो रही है। लेकिन इससे बड़ी बात ये भी है कि हिमेश रेशमिया जैसे बड़े स्टार ने रानू मंडल की प्रतिभा को पहचाना और उनको मौका दिया। इसके बाद अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। सितारे उनसे अपने फिल्म में गाना गाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि रानू मंडल सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। हिमेश रेशमिया की आने वाली फिल्म में उनके द्वारा गाए गीत के बोल तेरी मेरी कहानी, जिसकी छोटी सी झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये गाना इतने जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ कि इसको देखने वाले की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहरहाल, जो महिला कभी रेलवे स्टेशन पर गीत गाती थी, वह अब हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में एंट्री कर अपनी एक नई पहचान बना चुकी है। इन सबके बीच एक सबसे बड़ी बात जो हम सबके दिमाग में आ रही है, वो ये है कि रानू को हिमेश रेशमिया ने गीत गाने के लिए कितने पैसे दिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट जो फिल्मी अड्डा नाम के YouTube चैनल पर जमकर देखी जा रही है, उसमें एंकर ने रानू के पैसे लेने का खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि पहली रिकॉर्डिंग के लिए रानू को फीस के रूप में 6-7 लाख रुपए दिए गए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वह पैसे नहीं ले रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हिमेश ने रानू को जबरदस्ती फीस के पैसे दिए। हिमेश रेशमिया ने रानू को ये भी कहा कि आपको बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी कहा कि वह भी उनका गाना अपनी फिल्म में लेंगे। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर भी इस बारे में चर्चा हो रही है कि उनकी फिल्म में भी रानू मंडल का एक गाना सुनने को मिलेगा। फिलहाल तेरी मेरी कहानी नाम के गीत का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये गाना थोड़ा भी सुना, उनको ये बेहद पसंद आया। ये गाना आपको कितना पसंद आया, आप हमें कमेंट करके बताएं। लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।